हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है। आपको बेटा वो इंटीरियर पॉइंट दिया है। इस ट्राइंगल के अंदर वो कोई बिंदु है। अब बेटा आपको ये दे रखा है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो बेटा ध्यान दो, आप सबसे पहले इन्हें मिला लो, ओ से पी को, ओ से क्यू को और ओ से आर को मिला लो। अब समझना, सबसे पहले ओपी लिखा है, ओपी बेटा ये, ओक्यू, ओक्यू बेटा ये और पी क्यू बच्चों ये। आपसे कहा है ओपी प्लस ओक्यू, ओपी प्लस ओक्यू ग्रेटर है पी क्यू से। बेटा आप ध्यान दो, यहाँ क्या बन गया, ओ पी क्यू से बन गया एक ट्राइंगल। आप बेटा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते हो, कौन सी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इन इक्वालिटीज। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्राइंगल तभी बनेगा जब कोई भी दो साइड का यदि आप सम करते हो तो वह बेटा तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ ओ पी क्यू बेटा ट्राइंगल बना है, OP और OQ इन दोनों का सम बेटा इस तीसरी साइड PQ से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ट्राइंगल तभी बनता है जब बेटा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब इधर चलो, OQ, OQ बेटा ये है ना, OR, OR बेटा ये और QR, QR बच्चों ये। अब ध्यान देना बेटा, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ओ आर क्यू। अब आप समझना, ओ क्यू मतलब ये, ओ आर मतलब ये, क्यू आर बेटा ये। आपको बेटा यहाँ कहा है इन दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है, तो बेटा ये स्टेटमेंट भी सही होगा, यस लिखोगे। क्यों, वही बात, ट्राइंगल तभी बनेगा जब कोई दो साइड का आप सम करो वह तीसरी साइड से ग्रेटर हो। तो वही बात यहाँ है, ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। आप आंसर यस लिखोगे, ठीक है। अब इधर चलो, ओ आर, ओ आर बेटा ये, ओ पी, ओ पी बेटा ये और आर पी बच्चों ये, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब समझना, ट्राइंगल कौन सा हुआ, ओ पी आर। इस ट्राइंगल में बेटा ओ आर मतलब ये वाली साइड, ओ पी मतलब ये वाली साइड, इन दोनों का सम बेटा इस तीसरी साइड से क्या है, ग्रेटर है, ट्राइंगल बन रहा है। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगा। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर आप यस लिखोगे। आपको बच्चों यहाँ रीजन बताना होगा, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का यदि सम किया जाए तो वह तीसरी साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसलिए ये सभी स्टेटमेंट सही है, आंसर यस है।